शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कितनी सुंदर लग रही है ना आप माँ, चैन से सोई बिल्कुल परी के जैसे। लेकिन आपको खो देंगे ये सोच के हम तो कभी सो ही नहीं पाएंगे। हम आपके बिना कैसे जिएंगे? कौन है? श्रवणी, तुम हो बेटा? हाँ माँ। सोई क्यों नहीं अभी तक? आप हमेशा कैसे पहचान लेती है कि ये हम है? 9 महीने इसी कोप में रखा है तुझे, बिना सुने बिना देखे। तुझे नहीं पहचानेंगे तो और किसे पहचानेंगे हम? और तू सोई क्यों नहीं अभी तक? हाँ, देख रहे हैं हम, पिछले 3-4 दिन से हमारे साथ सोने भी नहीं आ रही हो। अरे नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना माँ, हम देर तक बहुत खटर पटर करते रहते, आपकी तबीयत भी खराब है, कहीं उससे आपकी नींद खराब हो गई तो? ये सोचकर हम अपने कमरे में चले गए थे पुराने वाले, और जब हमें आपकी चिंता हुई तो हम आपके पास आ गए। इधर आ हमारे पास। खटर पटर से नींद खराब नहीं होती हमारी। शर्मनी, पहले तो माँ बाबा के बीच में आकर सोया करती थी और आजकल सिर्फ माँ की याद रहती है, बाबा को भूल गई। हम सब देख रहे हैं। अरे नहीं नहीं बाबा, ऐसे कैसे भूल सकते हैं भला आपको? वो क्या है ना, जब मन घबराता है तो मुझसे माँ का ही नाम निकलता है। मेरी गुड़िया, मन क्यों घबराता है तेरा? हम है ना तेरे साथ हमेशा। इधर हमारी गोदी में सर रख, तुझे ऐसा सुलाएंगे कि जो डर है ना तेरे आसपास भी नहीं भटकेगा हमेशा। और नहीं तो क्या, हमेशा। ये लीजिए माँ चाय। खास बीना ताई जी ने आपके लिए बनाई है मसाला चाय। कैसी है? बहुत अच्छी है। अरे माँ दीजिए हमको। रुके, हम अभी रुमाल लेकर आते हैं। बेटा बहुत जोर का ठसका लग गया। माँ ये लीजिए रुमाल। ठीक तो है ना माँ? हाँ मित्रा, क्या हुआ, सब ठीक है? तुम्हारी खांसी की आवाज बाहर भानु भैया और हम सुन लिए थे। भानु भैया ने हमें डपट मार के कहा कि जाओ पहले बहुरिया को देखो, तुम ठीक तो हो ना? चलो अच्छा है, आप भी लग जाइए हमारी सेवा में। ये भगवान, बाबा रुमाल पे खून ना देख ले। कब बवाल लेके घूम रही है बाना? तुमको पता है बाना, इसका एक बूंद भी अगर ऊपर नीचे हो गया ना तो गले का आफत हो जाएगा। इतना तगड़ा इन्फेक्शन होता है ना इससे कि गला खून फेंकने लगता है। फेंको इसको, फेंक क्या? अरे 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 अरे, 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 अरे
मतलब बढ़िया है, काम करेगा ना? सारा काम बिगाड़ के रख देगा ही, लेकिन हमारा तो बनाएगा, हमारे लिए नहीं, नेत्रा के लिए। वो तो पहले से बिगड़ी हुई है बहना। ठीक है नेत्रा ठाकुर, तो नेत्रा का रिपोर्ट है, इसका क्या करोगी? करेंगे नहीं, कर चुके हैं। अदला बदली, नेत्रा को वो वायरल है ना, बुखार नहीं, कैंसर है। कैंसर? कैंसर? हाँ, क्योंकि ये रिपोर्ट कैंसर की है। अदला बदली, एक काम करें बेटा। हाँ? माँ को डॉक्टर साहब को एक बार फिर से दिखा दे। बेटा माँ का ध्यान रखो, हम पानी लेकर आते हैं। ठीक है ठीक है, जल्दी माँ पानी भी लीजिए। ठीक हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं होगा ना जी। हाँ? हमें कोई तौलिया तो पकड़ा दीजिए। हाँ? ये रुमाल तो बहुत गीला हो गया, इसे धोने में डाल दीजिए। लाइए ये हमें दीजिए ना, हम धो देंगे, आपके बेवजह परेशान होते। तौलिया तौलिया रुके, हम लेते माँ, ये लीजिए तौलिया। हम अभी आते पापा, आप माँ का ख्याल रखिएगा, ठीक है? हाँ बेटा। जय हो भगवान, कसम बहन कमाल हो तुम, तुम्हारा ना कोई जवाब हो आप नहीं, कहा भौकाल रच दी हो। मारी नहीं उस नेत्रा को, बस यही गरी मत। अरे मारेंगे काहे, हमारी प्यारी देवरानी जो है उनका राबा पसंद नहीं हम, उन्हें ऐसे ही आफत टल रही है तो काहे अपने हाथ खून से रंगे। तुमको लगने का थोड़ा सा ज्यादा कर दिए तो क्या करते, यहाँ भरत मिलाप हो रहा है और हम चुपचाप अपने बर्बादी का तमाशा देखते हैं। ऐसी फिरकी घुमाए है ना कि अब वुसरा भी नहीं, हमसे बिगड़ने के बारे में नहीं सोचे, सिर्फ सोचे कि हम अपनी माँ को कैसे बचाए, अपनी माँ की तबीयत कैसे ठीक करें। डॉक्टर से कहलवा दिए कि नेत्रा को अपनी हवा पानी बदलने की बहुत जरूरत है, और इस हवेली में पिसाच के जैसे हर दीवार पे चिपकी रहती है ना, देखना खुद अपना बोरिया बिस्तर बांध कर निकलेगी। का दाव फेंकी हो बहना, सही समय पर सही दिमाग चलाई हो। दिमाग काम नहीं कर रहा था हमारा, एकदम सुन्न पड़ गए थे हम, और जब वो नेत्रा बेहोश हुई और भानु ने अपने भाई को गले लगा के जो रोका है ना, कसम से हमारे पैरों तले जमीन निकल गई थी। हम सोचे हम तो गए, पर ये अगर अपने बेहोश होने का नाटक करके इतना बड़ा फायदा उठा सकते हैं तो हम तो चंद्रा हैं, हम कैसे नहीं मौके का फायदा उठाएंगे। मासूम श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।